मनीष कश्यप, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, जो एक यूट्यूबर हैं, खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं, जो अक्सर चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन एक बार फिर मनीष कश्यप चर्चा में हैं, और इस बार वजह है इस चुनावी मौसम ने मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और खबर है कि मनीष कश्यप को बीजेपी कोई बड़ा पद दे सकती है, पर क्या वाकई ऐसा है, आज हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वे अपनी माँ के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मनोज तिवारी और संजय मयूख के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरकार को उठाता हो, वो बीजेपी के साथ है। मैं मनीष को जानता हूं, मनीष गरीबों का भला चाहते हैं और गरीबों का भला करने के लिए वो पीएम मोदी के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि बीजेपी की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया और मेरे जीवन के बुरे दिन खत्म हो पाए, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ। बिहार को मजबूत करना है, बीजेपी के साथ मिलकर अब मैं बिहार को मजबूत करूंगा। इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया, मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और बिहार को मजबूत करना है, बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। दरअसल मनीष कश्यप को लेकर बुधवार शाम से ही सियासी अटकलें तेज हो गई थी। इन अटकलों को तब बल मिल गया जब मनीष कश्यप ने सुबह माँ के साथ एक भावुक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में मनीष कश्यप ने लिखा था कि बहुत दिनों बाद माँ के चेहरे पर खुशी नजर आई, माँ खुश है तो सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दरअसल मनीष कश्यप का पूरा नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप है। मनीष बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामपुरवा गांव के रहने वाले हैं। मनीष ने पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से 2016 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। मनीष को इंजीनियरिंग रास नहीं आई, फिर मनीष ने सच टॉक नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। फिलहाल इस चैनल पर 8.75 मिलियन फॉलोअर्स हैं। YouTube चैनल पर 3200 से ज्यादा वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। मनीष कश्यप के इस YouTube चैनल में कई रीजनल पब्लिशर्स और यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं। खैर, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम चंपारण सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल को निर्दलीय चुनौती दे रहे मनीष कश्यप को बीजेपी किसी तरह की जिम्मेदारी या फिर MLC का ऑफर दे सकती है। ऐसे में मनीष बिहार में NDA के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास की बात करेंगे और तेजस्वी यादव को गले लगाने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं, वो बिहार की जनता और सभी समस्याओं से अवगत हैं। उन्हें तैयारी करने की जरूरत पड़ती है जिनके पास जानकारी नहीं होती। वो बिहार के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ बिहार का आशीर्वाद चाहिए और सिर्फ आशीर्वाद की ही जरूरत है। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप RJD में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल मनीष कश्यप उस समय ज्यादा चर्चा में आए जब उन्हें जेल जाना पड़ा था। दरअसल फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ा। बेतिया जिले के रहने वाले मनीष कश्यप उस समय चर्चा में आए जब फर्जी वायरल वीडियो मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो वीडियो तमिलनाडु में काम करने वाले बिहारी मजदूरों का था। पिछले साल मार्च की शुरुआत में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई के वीडियो वायरल होने शुरू हो गए थे। वीडियो में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो बिहारी मजदूर हैं जिनकी पिटाई हुई। मामला इतना गरमाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने बिहार के CM नीतीश कुमार से बात भी की। जांच में वो वीडियो फर्जी पाया गया। मनीष कश्यप पर आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर दिया। इस मामले में मनीष को करीब 9 महीने जेल में बिताने पड़े थे। फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मनीष कश्यप ने बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार झेलनी पड़ी थी, और इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले ही अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खैर, ये तो अब आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि बीजेपी में मनीष कश्यप की भूमिका आखिर क्या रहने वाली होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।